आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखा जाए तो एक टिप्स एंड ट्रिक वीडियो है जो काफी दिन बाद हम किसी गेम के ऊपर बना रहे हैं। तो अभी तक आप सबने कारेक स्टेट का 1.0.0 अपडेट तो कर लिया होगा। अगर अभी भी प्रॉब्लम हो रहा है, अपडेट नहीं कर पा रहे हो, अपडेट साइज कितना है, अपडेट के बाद कौन कौन से फीचर्स इस गेम में एड हो चुके हैं, उसके बारे में जानना चाहते हो तो हमारे कल के वीडियो को जाके देख सकते हो। क्योंकि उसके बाद जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि हम माउंटेन ड्राइव लोकेशन को कैसे अनलॉक करे, आज इस वीडियो में उसी का सलूशन लेके आए हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। जिस तरह से आप सोच रहे हो कि अनलॉक करेंगे, उस तरह से बिल्कुल नहीं है। जेन्युइन तरीका बताएंगे जिसे फॉलो करने के बाद आप सब भी फ्री में माउंटेन ड्राइव लोकेशन को कारेक स्ट्रीट में अनलॉक कर पाओगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ऑफ कोर्स इस वीडियो के लिए थोड़ा तो मेहनत लगता ही है, तो उसको अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक करना है, शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि आने वाले वीडियोस भी क्या पता आप सबके लिए इम्पोर्टेंट हो जाए। जो बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करना, सिर्फ आपको नीचे सब्सक्राइब वाले बटन को दबा लेना है। जिन भी मेरे दोस्तों को नहीं पता है, पहली बार इस गेम को डाउनलोड करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद कि ये माउंटेन ड्राइव का क्या फंडा है, तो बेसिकली माउंटेन ड्राइव एक DLC या फिर बोल सकते हो एक्सपेंशन है गेम का, जिसे एक्सेस करने के बाद आप न्यू एरिया के साथ साथ बहुत सारे रेसेस, क्लब्स, कार को भी एक्सेस कर पाओगे। तो गेम में माउंटेन ड्राइव को अनलॉक करना उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है जितना कि अपने क्रश से पहली बार बात करना। अबे साले, बहुत ही ज्यादा ही गंदा जोक था। तो चलो हम टॉपिक पे आ जाते हैं। तो दो तरीके से आप माउंटेन ड्राइव को अनलॉक कर सकते हो। पहला तरीका फ्री है और दूसरा जो तरीका पेड है। ऑब्वियसली फ्री में ज्यादा फोकस करेंगे, लेकिन फिर भी आपको पेड बता देते हैं अगर आपको पैसे दे के माउंटेन ड्राइव को अनलॉक करना है तो कितना ज्यादा खर्चा होगा। तो दो प्राइजेस इसके लिए सेट किया गया है। सबसे पहला है माउंटेन एरिया जिसका प्राइस है 920 रुपीज, जिसमें सिर्फ आप लोकेशन को ही अनलॉक कर पाओगे। लेकिन उसके बाद जो है माउंटेन एरिया, उसका एडवांस वर्जन जिसका प्राइस है 1400। जी हाँ, काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन इसे अगर आप परचेस करते हो तो लोकेशन के साथ साथ आपको एक कार भी फ्री में मिलेगा, जो कार है CarX34R। तो इसे आप फ्री में एक्सेस कर पाओगे लोकेशन के साथ साथ। तो अगर आप पेड से परचेस करना चाहते हो उस DLC को, तो इन दोनों प्राइस में से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन मेरी मानो तो आपको जब सिर्फ और सिर्फ लोकेशन को ही अनलॉक करना है, पहले प्राइस से जाओ। अगर आपको एक नया कार लेना है तो दूसरे प्राइस से जाओ। ऑब्वियसली आपको अच्छे से पता होगा। लेकिन अभी फिलहाल आ जाते हैं मेरे तरह जो हमारे दोस्त माउंटेन ड्राइव को फ्री में अनलॉक करना चाहते हैं, खेलना चाहते हो, तो वो कैसे कर सकते हैं। सिंपली आपको पहले 10 लेवल तक पहुंचना है। जब आप पहुंच जाते हैं वहां तक, तो उसके बाद आपको कंप्लीट करना होगा स्ट्रीट हंटर क्लब रेसेस, जो काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर आप कंप्लीट कर देते हो तो बहुत ही आसानी से इस DLC को आप अनलॉक कर पाओगे, वो भी फ्री में। लेकिन उसके पहले ही हमारे माइंड पे क्वेश्चन आ जाता है लेवल 10 तक कैसे पहुंचे। जो इस गेम को पहले से ही खेलते हैं उनको तो पता है लेवल अप कैसे करना है, लेकिन जिन भी मेरे दोस्तों को नहीं पता उनको हम सिंपल से समझा देते। अगर आप सिंगल रेसेस या फिर ड्रिफ्ट रेसेस जो भी आप करते हो गेम में, उससे लेवल अप नहीं होता है। लेवल अप करने के लिए आपको एक ही चीज करना पड़ेगा, वो है क्लब रेसेस को कंप्लीट करना। जी हाँ, जितने भी सारे क्लब रेसेस है आप एक एक करके पार्टिसिपेट करो, उनके रेसेस को कंप्लीट करो। लेवल अप तो होता रहेगा, उसके साथ साथ कॉइन्स भी आपको फ्री में मिलेंगे और बहुत सारे कार्स भी है जो आप फ्री में एक्सेस कर पाओगे उस पर्टिकुलर क्लब रेसेस को कंप्लीट करने के बाद। तो देखा जाए तो काफी अच्छा मौका है। अगर आप अभी तक भी कंप्लीट नहीं कर रहे हो तो जल्दी से जल्दी पार्टिसिपेट करो और कंप्लीट कर लो। लेकिन उसमें भी थोड़ा कैच है, आपको समझना है। अगर आप एक पर्टिकुलर क्लब रेसेस में पार्टिसिपेट करते हो, उसके लिए आपको कुछ पर्टिकुलर कॉइन्स देना पड़ेगा, और उस क्लब के लिए आपको डेडिकेटेड कार चाहिए होगा, जिसे आप परचेस कर सकते हो या फिर पहले से ही आपके कार शोरूम में होगा, उसे आपको सिर्फ और सिर्फ चेक करना है। तो कोई भी क्लब रेसेस में पार्टिसिपेट करने से पहले उसका रिक्वायरमेंट जरूर चेक करना, क्योंकि क्या पता अगर आप पार्टिसिपेट कर लेते हो बाद में पता चले आपके पास कॉइन नहीं है और उसके लिए कार भी आप परचेस नहीं कर सकते हैं, फिर तो यार बुरा ही हो जाएगा, समझ रहे हो। तो क्लब रेसेस को कंप्लीट करते करते जब आप पहुंच जाते हो लेवल 10 पे, उसके बाद तो आराम से कर सकते हो स्ट्रीट हंटर क्लब रेसेस को कंप्लीट। देन आप बहुत ही आसानी से फ्री में अनलॉक कर पाओगे माउंटेन ड्राइव एरिया को। बहुत ही सिंपल है ना। क्या कर रहे हैं यार तू? मजाक है क्या?
जी हाँ, मुझे गाली मत दो, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है इसे कंप्लीट करना, और इसके अलावा कोई हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं है फ्री का जो हम अनलॉक कर पाए इस नए डीएलसी को। लेकिन उसके साथ साथ और एक डिफिकल्टीज आप जरूर फेस कर रहे होंगे कि गेम में जल्दी से जल्दी कैसे पैसे कमाएं, यानी कॉइन्स इकट्ठा करें। तो उसका भी सॉल्यूशन हमारे पास है। अभी जब हम इस वीडियो को बना रहे हैं, ऑब्वियसली अपडेट वर्जन है 1.0.0, तो उसी के हिसाब से आपको बताएंगे कि आप अपने गेम में जल्दी से जल्दी कैसे कॉइन्स कलेक्ट कर सकते हो। तो कॉइन्स कलेक्ट करने के लिए कुछ रेसेस आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, जैसे कि सबसे पहले आएगा सिंगल रेसेस जो बहुत सारे आपको मैप में मिल जाते हैं। तो पार्टिसिपेट करो, कंप्लीट करो, फर्स्ट आने की कोशिश करो, अच्छा खासा कॉइन्स आपको मिल जाएगा। उसी तरह से दूसरा भी है ड्रिफ्ट रेसेस, उसमें भी अगर आप फर्स्ट आते हो, जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप अच्छा खासा कॉइन्स गेन कर सकते हो। और उसके बाद तो यार सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से लगता है अभी के लिए गेम में क्लब रेसेस, उसको भी आप कंप्लीट कर सकते हो, लेवल अप भी कर पाओगे, कॉइन्स भी कलेक्ट कर पाओगे, और साथ में आपको फ्री में कार्स भी मिलेगा अगर आप क्लब रेसेस को कंप्लीट करते हो तो। लेकिन उसके अलावा जल्दी से जल्दी आपको कॉइन्स कलेक्ट करना है तो उसके लिए दो ऑप्शन फिलहाल आ चुके हैं। जो सबसे पहला ऑप्शन है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही ईजी है, इसके पहले अपडेट में ही ये फीचर्स आ चुका था, जो है कार्ड डिलीवरी बिजनेस। पर्टिकुलर 3 घंटे के अंदर आपको 2 कार्ड डिलीवरी करना है, ऑब्वियसली दूसरा वाला को अनलॉक करना होगा। पहले वाले को कंप्लीट करने के बाद 3000 आपको कॉइन्स मिलेंगे फ्री में, और दूसरे वाले को कंप्लीट करने के बाद आपको मिलेगा 5000। इसके साथ साथ एलीट वाला भी ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड शायद नहीं करूंगा अगर आपके पास जेम्स नहीं है तो। जेम्स ही बोलते हैं ना इसे, अगर कोई और नाम है तो कमेंट करके जरूर सजेस्ट करना। और इसी के जैसे इस अपडेट में और एक बिजनेस आ चुका है, जो है बॉक्स डिलीवरी। तो बॉक्स के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा ही खेलना पड़ेगा, क्योंकि दो दो डिलीवरी लोकेशन पे जाके हमें डिलीवर करना होता है। उसके साथ साथ जब आप 5000 पॉइंट्स गेन करना चाहते हो तो उसमें आपको 3 अलग अलग लोकेशन पे जाना पड़ेगा, जो मेरे हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन अगर आप इस गेम को ज़्यादा ही खेलोगे तो ये भी आपको ईजी लगेगा। और ध्यान रखना, हर 3 घंटे में रिफ्रेश होता है, तो अगर आप एक बार कंप्लीट करते हो, 3 घंटे बाद दोबारा आओ, तो फिर उसी तरह से मिशन को कंप्लीट करके अच्छा खासा कॉइन्स गेन कर सकते हो, और उसी कॉइन्स को ऑफ कोर्स यूज करके नए कार और ट्यून भी कर सकते हो अपने कार्स को। हमारे मतलब आपको मत सिखा। तो मुझे जितना पता चला है ग्राइंड करने के बाद इस अपडेट को, वो आपके सामने रख दिए हैं। अगर मुझसे कुछ भी डिटेल मिस हो चुका है या फिर आप कुछ एक्स्ट्रा सॉल्यूशन जानते हो माउंटेन ड्राइव एरिया को अनलॉक करने के लिए, तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक ठोक दो, शेयर कर दो, और इस तरह से और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो साइड के लोगो बटन को दबा के। और इसके बाद भी एक साइड वीडियो आ सकता है जो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो स्टे ट्यून्ड रहना। तो चलो यार, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक फैशन फाइन एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना।